आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई साहब सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो प्रेस वार्ता को सुनकर बंद हो जाते हैं। चलो मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। 26 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती है, उसके 2 साल समाप्त हुए हैं और कल से 15 दिन तक विकास पर्व के नाम से हम दो साल में सरकार ने जो कामकाज किया है उसको लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें होती है, जहां जहां विधायक चुनकर आते हैं, जहां जहां सांसद चुनकर आते हैं, शुरू से एक परंपरा रही है कि जनादेश का हिसाब जनता को देना, और वही परंपरा का निर्वहन ये विकास पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये पूरे विकास पर्व के अंदर 200 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन, बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत, कई प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। 30 टीमें बनाई गई हैं जिसमें संगठन और सरकार के प्रतिनिधि हैं, सारे प्रमुख नेता, सारे प्रमुख मंत्री हमारे लोगों के बीच में जाने वाले हैं, रात्रि निवास भी वहीं पर करेंगे और सारे सांसद भी अपने मत क्षेत्र की हर विधानसभा के अंदर एक रात्रि निवास करेंगे और सारे विधायक अपने मत क्षेत्र के सभी ब्लॉक के अंदर रात्रि निवास कर लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत व्यापक मात्रा में जनसंपर्क का अभियान विकास पर्व के माध्यम से चलने वाला है। मोदी जी भी कल सहारनपुर थे, आज शिलोंग है, उड़ीसा भी उनकी रैली है, कर्नाटक में भी उनकी रैली है। ये 2 साल हमारी सरकार ने जो समाप्त किए हैं वो 2 साल के बाद आज ये कहने में पार्टी अध्यक्ष के नाते मुझे जरा भी झिझक नहीं है कि हमने एक निर्णायक सरकार देश को देने का काम किया है। जो सरकार फैसले करती है, जो सरकार नीतियां बनाती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नीतियों का क्रियान्वयन भी कराती है, इस प्रकार की एक निर्णायक सरकार देश में बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में देश को मिली है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल के यूपीए के शासन के बाद 10 साल के अंदर जो घपले, घोटालों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसकी जगह हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 साल के अंदर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके। जनता की समस्या को, चाहे वो दीर्घकालीन हो, चाहे वो तत्कालीन किसी बात से उत्पन्न हुई हुई हो, उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स करने में सरकार ने ये 2 साल में तत्परता दिखाई है। इसका ताजा उदाहरण नीट का अध्यादेश है। इस प्रकार की कई समस्याओं की सरकार ने एड्रेस किया है और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम भी किया है। गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, उसके दीर्घकालीन आयोजन से उस समस्याओं के निवारण के लिए
काफी अच्छी पहल मोदी सरकार ने की है। मित्रों, दो साल के बाद इतना निश्चित कह सकते हैं कि अटल जी की जब सरकार थी तब एक नारा लगा था और दुनिया इसको मानती थी कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, और यूपीए वन और यूपीए टू ने यह हालत कर दी थी कि भारत की विकास की गाथा समाप्त हो गई है, ऐसी दुनिया मानने लगी थी। दो साल के बाद आज पूरा देश विश्वास के साथ कह सकता है और पूरी दुनिया मानती है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। इस तरह का एक निर्णायक काम करने का परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये सरकार आजादी के बाद कई सरकारें शहरों का विकास करे या गांवों का, इसके द्वंद्व में फंसी रही। आर्थिक नीति का आधार क्या होगा, रिफॉर्म्स होगा या जन कल्याण होगा, ये द्वंद्व में फंसी रही। सरकार कौन चलाएगा, राजनीतिक नेतृत्व चलाएगा या ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे, वो द्वंद्व में फंसती रही। रक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में हमेशा द्वंद्व चला रहा। ऐसे कई प्रकार के द्वंद्व को कुशलता से समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और जिसको कह सकते हैं एक बैलेंस प्रकार का अप्रोच लेकर एक सर्वस्पर्शीय विकास देश को अनुभव कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं। बहुत लंबी तो बात नहीं हो पाएगी, मगर कुछ बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जनधन योजना के माध्यम से करीब करीब 21 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खुले हैं, 36,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया अंदर डिपॉजिट रहता है, और 17 करोड़ से ज़्यादा रूपी कार्ड इश्यू करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम सब ने वीजा कार्ड सुना था, स्मार्ट कार्ड सुना था, मगर 17 करोड़ को रूपी कार्ड ने क्रॉस कर दिया। मैं मानता हूँ शायद प्रेस के इतने सारे मित्रों के लिए भी समाचार होंगे। मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग 3.5 करोड़ लोगों को छोटे छोटे रोजगारों के लिए लोन देने का काम किया है, और 1,37,000 करोड़ रुपये का लोन का डिसबर्समेंट का काम समाप्त हो चुका है। ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से 18,500 गांवों का अंधेरा समाप्त करने का एक अभियान लिया गया है, और काफ़ी आगे समय से आगे ये अभियान हमारा चल रहा है। जन सुरक्षा योजनाएं भी गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने परिवार को सुरक्षित करने में मदद कर रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो भ्रष्टाचार से 14,000 करोड़ रुपया बचाया, जो गिविट अप के माध्यम से संपन्न लोगों ने त्याग किया सब्सिडी का, और भारत सरकार ने अपने खजाने में से रुपया डालकर करीब करीब 6 करोड़ लोगों को 2019 तक उनके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास करकर लगभग 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य है, और समय से वो लक्ष्य आगे चल रहा है। किसानों के लिए भी एक अनूठे प्रकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर ये सरकार आई है। जो पहले फसल बीमा योजनाएं थी उसमें जितने भी किसानों को परेशानी करने वाले बिंदु थे वो सभी को निरस्त करके एक कह सकते सर्वांग संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर मोदी सरकार आई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से करीब 14 करोड़ किसानों के खेत के अंदर जो जमीन की प्रत है वो कैसी है, किस प्रकार का क्रॉप अंदर हो सकता है, कितना खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड्स चाहिए और कितना पानी चाहिए, इसकी वैज्ञानिक जानकारी किसानों को देने का एक लक्ष्य रखा है, और लगभग 1,80,00,000 से ज़्यादा लोगों को देने का काम समाप्त हो चुका है। प्रयोगशालाओं के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जो कृषि विकास के लिए प्रयोग होते थे वो लेबोरेटरी तक सीमित थे, लैब को लैंड के तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से यूरिया की सब्सिडाइज यूरिया की चोरी और उसमें जो भ्रष्टाचार होता था उसको रोकने में सरकार ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, और इसी के कारण
आज देश भर में किसानों को जितना यूरिया चाहिए उतना यूरिया उपलब्ध हुआ है। उत्तर भारत में शायद पहली ही रबी की फसल ऐसी गई होगी जिसमें लाठियां न भांजी गई हो यूरिया के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से भी सूखे प्रभावित इलाकों में पानी की हर बूंद का उपयोग कैसे हो इसके डिटेल योजना बनाई है। गोकुल मिशन के माध्यम से पशुपालन के लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ है। सूखा और बाढ़ के समय में सहायता के सारे पैरामीटर्स को चेंज कर किसानों के साथ खड़ी रहे सरकार, इस प्रकार की एक अच्छी नीति लेकर सरकार आई है। और ई मंडी के माध्यम से किसान को अपनी उपज के दाम ठीक से मिल पाए इसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। स्टैंड अप स्टार्टअप, स्किल इंडिया और मुद्रा बैंक, ये चारों का एक संपुट बनाकर बेरोजगारी को एड्रेस करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और पहली बार कोई सरकार ने साहस किया है कि बेरोजगारी दूर करने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, बेरोजगारी स्वरोजगारी से भी दूर हो सकती है। और इसके लिए प्लानिंग कर स्टैंड अप स्टार्टअप, स्किल इंडिया और मुद्रा बैंक योजना का एक संपुट लोगों के सामने रखा है। और ये चारों योजनाओं के माध्यम से करीब करीब आज तक 5 करोड़ लोग अपने स्वरोजगार को शुरू कर पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की बहुत बड़ी सिद्धि है। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अपना जीडीपी चीन से भी आगे रहा है। आईएमएफ भारत के अर्थतंत्र के लिए काफ़ी आशावादी है। महंगाई बाय एंड लार्ज काबू में रही है। विदेशी मुद्रा का भंडार आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर रहा है तो यहीं पर रहा है। विदेशी निवेश 42% बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 अंकों की छलांग लगाने का काम एक ही साल के अंदर हुआ है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। मित्रों, भ्रष्टाचार के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार कर बहुत कटौती करने का काम किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, मगर मैं कुछ बात स्पेक्ट्रम की नीलामी, कोयला ब्लॉक की नीलामी, खनिज की खदानों की नीलामी और एफएम रेडियो की पारदर्शी नीलामी से भ्रष्टाचार को कैसे काबू में किया जा सकता है इसका हमने एक अच्छा उदाहरण दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन, सबसे ज़्यादा परिवहन के लिए लाइन डालने का काम इसी 2 साल में हुआ है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा ये तीनों क्षेत्रों में प्रगति ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने की है। एलईडी बल्ब के माध्यम से गरीब घर व्यक्ति के घर में बिल को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान उठाया गया है और 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को इसका फायदा मिला है। रेलवे के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन किया है। 16 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से राजमार्ग बन रहे हैं। सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से देश के उद्योग को गति देने का काम चला है और लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश बंदरों के लिए इस सरकार के आने के बाद आया है। राष्ट्रीय जलमार्ग की शुरुआत हुई है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा में 2 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का काम शुरू हो चुका है और 106 और जलमार्गों को आइडेंटिफाई कर इसकी संभावनाओं को तराशने का काम शुरू हुआ है। वन रैंक वन पेंशन, बहुत सालों से जो मांग थी इसको मोदी सरकार ने एक ही साल के अंदर समाप्त करने का काम किया है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मित्रों, नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान, इसके माध्यम से बहुत सारी जनता की समस्या को जनता की हिस्सेदारी से सुलझाने के लिए एक नए प्रकार का प्रयोग लोगों के सामने हम लेके गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान, तीनों को अप्रत्याशित सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी की अपील पर लोग किस तरह से जन समस्याओं को सुलझाने में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लगभग हर 15 दिन में एक नया इनिशिएटिव ये सरकार ने लिया है। बहुत लंबी सूची है, मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर एक ही सरकार ऐसी होगी जिसने हर 15 दिन में एक नया इनिशिएटिव देने का काम किया है। मित्रों, और इन सब का परिणाम भी दिखता है। 2015 का साल की ही बात कर दें तो 2015 में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा यूरिया का उत्पादन करने का काम भारत में हुआ है। 2015 में
सबसे ज़्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स करने का काम भारत के अंदर हुआ है। 2015 में ग्रामीण गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा गैस उपलब्ध कराने का काम आज़ादी के बाद 2015 में हुआ है। अब तक देश में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन आज़ादी के बाद 2015 में हुआ है। अब तक देश में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन आज़ादी के बाद 2015 में हुआ है। बंदरों पर से माल की आवाजाही का जहाँ तक सवाल है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा कोई एक साल में अगर हुई है तो 2015 में हुई है। रेलवे में पूंजी की लागत का जो सवाल है, वो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पूंजी अगर किसी एक वर्ष में लगाई गई है तो 2015 में लगाई गई। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा राजमार्ग बनाने का काम अगर कोई एक साल में हुआ है तो 2015 में हुआ है। मोटर गाड़ी का उत्पादन, कार का उत्पादन सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद किसी एक साल में हुआ है तो 2015 में हुआ है। 2015 में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात का अगर काम हुआ है तो 2015 में हुआ है। मैंने जैसे कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तालिका में सबसे बड़ी छलांग भी 2015 में लगाई गई और 2015 में भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार भी अर्जित करने का काम हुआ है। और ये जो परफॉर्मेंस है उसको भी लोकसभा के चुनाव के बाद जब जब जनादेश का मौका आया तो देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जनता ने इसको स्वीकारा है, जन समर्थन दिया है और जनादेश भी दिया है। देश में जितने भी चुनाव हुए इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव की तुलना में अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है और देश में 5 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम हुआ है, जहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले नहीं बनी थी। तो कुल मिलाकर रक्षा नीति का सवाल हो, सेनाओं को सुसज्ज करने का सवाल हो, सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो, एक त्वरित रिस्पॉन्सिव रक्षा नीति बॉर्डर पर देने का सवाल हो, या दुनिया में भारत की स्वीकृति आ पाए इस प्रकार की विदेश नीति नए सिरे से बनाने का सवाल हो, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो एक निर्णायक जनादेश देश की जनता ने हमें दिया था, देश के भले के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए और देश को एक पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकालने के लिए, मैं मानता हूं कि 2 साल में ये सभी कामों को अंजाम देने का हमने जो प्रयास किया है उसको सफलता मिली है और ये सभी बातें आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे, ऐसी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आप सबसे विनंती भी है। और आने वाले समय में अभी 3 साल बाकी है, 3 साल के अंदर हमें भरोसा है कि हमने जनता को जो वादे किए हैं वो सारे वादे समाप्त कर हम जनता के सामने फिर से एक बार जनादेश के लिए जाएंगे। 3 साल का समय बहुत होता है, 2 साल के समय में हमने काफ़ी कुछ किया है, 3 साल में काफ़ी कुछ करना बाकी है, मगर हौसला बुलंद है, मेहनत करने की तैयारी है और विजन के साथ प्लानिंग कर मेहनत करेंगे और ईश्वर कृपा है तो सफलता भी निश्चित मिलेगी, ये भरोसा है। धन्यवाद। आपने आपने 2 साल में क्या हुआ है achievements? You have told us about the achievements in the last 2 years of the Modi government. There are three more years to go for this tenure. My question to you is, what are the challenges that you have faced in these 2 years? And what do they look like from now for the coming 3 years? देखिए, जिस प्रकार का खाली खजाना UPA सरकार छोड़कर गई थी, जिस प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस छोड़कर गई थी, जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हतोत्साह थी और जिस प्रकार से जनता में घोर निराशा व्याप्त थी, मैं मानता हूं कि 2 साल के अंदर ये सभी मोर्चों में हमने आशा का संचार करने का काम किया है और ये जो नींव 2 साल में डाली है, मुझे लगता है बाकी जितनी भी चुनौतियां हैं उसको हम
फेस करने में ये हमारा जो नींव डालने का काम हुआ है वो आगे पर एक अच्छी इमारत बनाने के लिए, अच्छा इस पर मकान बनाने के लिए काम में आएगी। अरे पहले हंस लो सुजीत, तुम यार हंसे वगैरह कैसे सवाल पूछते हो। पूछो, आवाज बुलंद है आपकी। नहीं नहीं, माइक दो, टीवी पर दिखाई नहीं पड़ता, सुजीत ठाकुर सवाल पूछ रहे हैं। सर मेरा सवाल ये था कि मोदी जी ने कहा था हम 5 साल के बाद जवाब देंगे जनता को, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बीच में आप लोग जवाब दे रहे हैं? क्या जनता को महसूस नहीं हो रहा डेवलपमेंट हुआ, या फिर सियासी विरोधी जो आपके हैं जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको जवाब दे? मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा जवाब 5 साल के बाद देंगे। 5 साल के बाद हमारे कामों को लेकर जनता के सामने जाएंगे, फिर से एक बार जाएंगे, वो 5वां साल भी तो होगा। हर साल जाते हैं, 5वें साल का भी जाएंगे भैया, 5वें साल में छोड़ नहीं देंगे। सर दो सवाल है मेरे, एक तो ये कि कश्मीर में मिलिटेंट अटैक को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ या कश्मीर में भी आप लोग ठीक नहीं है, जैसे जैसे इतने ज्यादा मिलिटेंट अटैक होता है। और दूसरा चीज ये है कि नोएडा में आजकल बजरंग दल का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है स्कूल में, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कुछ गैर कानूनी है तो सरकार की जिम्मेदारी है उस पर कार्रवाई करे, अगर कुछ गैर कानूनी है तो। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि इसका मुंह तोड़ जवाब भारत के सुरक्षा बलों ने दिया है, और आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा सफलता इसमें भी अगर मिली है तो 2 साल में ही मिली है। अमित भाई, आप तमाम दावे कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस ने नारा दिया है 2 साल देश का बुरा हाल, और कपिल सिब्बल मन से चुनौती देते हैं कि प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री आकर बहस नहीं कर सकता उनके साथ 2 साल के बुरा। नहीं, हम नहीं कर सकते उनसे। हम नहीं कर सकते, और आपकी कांग्रेस से अपेक्षा क्या है, हमारे बखान करेगी क्या? स्वाभाविक है भैया उनका ये कहना। राजीव भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की जनता के प्रति फ्रेंडली है। विकास भदौरिया, फिर रविंदर सिंह। वेंकट जी आप तो हैं। अमित जी मेरे दो सवाल हैं, एक सरकार से जुड़ा हुआ है, दूसरा संगठन से जुड़ा हुआ है। सरकार से जुड़ा हुआ सवाल हालांकि महुआ पूछ चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिफाइन चाह रहा हूँ उसमें, कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू की सरकार में आने के बाद, उन योजनाओं में सबसे बेहतरीन रिजल्ट किस योजना ने दिए, और कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो चुनौतियों का सामना कर रही है, जिस मंशा से सरकार ने शुरू की थी उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। दूसरा सवाल मेरा संगठन से जुड़ा हुआ है, कल सहारनपुर में रैली थी, राजनाथ सिंह ने वहाँ लोगों से अपील की कि 14 साल हो गए हैं, हमारा वनवास खत्म करिए। मेरा सवाल ये है कि आखिर अगर वनवास खत्म होगा तो राम कौन होगा, क्या बिहार का मॉडल? नहीं नहीं, राम भी तय हो जाएगा, जनता ही तय कर देगी, आप चिंता मत करो। और जहां तक योजनाओं का सवाल है, देखिए ये सारी योजनाओं का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट के साथ नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं, और हर 15 दिन में एक बार बैठते हैं और एक एक योजना को लेकर, इसकी प्रगति को लेकर इसका हिसाब किताब लिया जाता है। इसी का कारण है कि बहुत सारी योजनाओं में प्रगति हुई है, और मैं बाद में नंबर लिखाऊंगा आपको, नरेंद्र मोदी ऐप पर चले जाएंगे तो आंकड़े भी आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगी किस योजना में कितनी प्रगति थी, लक्ष्यांक से आगे चल रहा है या पिछड़ रहा है, और पिछड़ रहा है इसके पीछे हम दमखम से हमारी सरकार लगी हुई है, और मुझे भरोसा है कि लक्ष्यांक को हम पार कर लेंगे। रविंदर जी, फिर वेंकट अमित जी, एक इधर अमित जी। हाँ हाँ, पूछो। सवाल यह है कि आप हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, बार बार अपने सांसदों को कहते हैं कि सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाए, और उसके लिए प्रगति, आपने भी बोला प्रगति की मीटिंग करते हैं, वो रिव्यू भी करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जी न्यूज़ ने एक सर्वे किया है, कई राज्यों में सर्वे किया, कई सांसदों के क्षेत्रों में सर्वे किया, और उसमें ये पाया गया है कि गांव के कई लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी। मेरा उससे लेकर सवाल यह है कि क्या लग रहा है कि आपके जनप्रतिनिधि उन योजनाओं को ठीक ढंग से गाँव
पहुंचा नहीं पाए हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई या उनको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे आप? अरे भैया, मीडिया का भी तो दायित्व है, आप दिखाओ जरा रोज एक एक योजना अपने आप पहुँच जाएगी। सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर देश का विकास क्यों छोड़ रहे हो? मीडिया का दायित्व नहीं है क्या? आ यहाँ बैठे हो सब लोग, तय कर लिए एक अच्छी योजना हर रोज एक बार टीवी पर दिखानी है तो अपने आप पॉपुलर हो जाएगी। हम तो कर ही रहे, आप भी करो। यानी हर जी टीवी हर रोज एक योजना टीवी पर दिखाए देश के भले के लिए। मोदी का चेहरा मत लगाइए, मगर देश के भले के लिए तो दिखाइए। वेंकट जी, मैं टीवी के बाद प्रिंट पे भी जाता हूं थोड़ा सा। हां वेंकट जी, अमित जी वणकम, वेंकट शर्मा प्रमेय जी। वेंकट जी, अमित जी, यू हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द कंक्लूडेड फाइव स्टेट इलेक्शन। बीजेपी हैड अ मेजर ब्रेकथ्रू इन असम एंड यू गॉट अ ब्रेक इन केरला, but unfortunately why you could not get a breakthrough in Tamil Nadu? Now then, during the election campaign you made allegation against Jayalalitha and her government. Now the elections are over, parliament is now the government is functions are on, the parliament session is going to be there. How are you going to get support from Jayalalitha like? देखिए, जहाँ तक जयललिता का जी सेवक का सवाल है, हम तो हर एक पार्टी को अपील करते हैं कि देश के विकास के एजेंडे का समर्थन करें, और अब निर्णय जयललिता जी ने करना है। मैं तो आज सभी देश की सभी पार्टियों को कहता हूँ कि भाई देश के विकास का जो एजेंडा है उसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आप सपोर्ट करिए, और उसमें हमें कोई अहम नहीं है, हमारे पास ना अहंकार है। हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जनता के विकास के लिए जो योजनाएं हैं, जनता के विकास के लिए जो कार्य योजना है और विधेयक है, उसका आप समर्थन करिए। विभा जी, ट्रिब्यून से। आपने ऐसा मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि जो पंजाब की जो स्ट्रेटजी को आपने अपने एलाई अकाली दल पे छोड़ दी है। नहीं नहीं, ऐसा मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने ऐसा कहा है क्योंकि पंजाब के अंदर हमारे बड़े भाई है, वो एक अलायंस में बड़ी पार्टी अकाली दल है, तो स्ट्रेटेजी बनाने में लीड उनको लेनी पड़ेगी, उन पर छोड़ दिया ऐसा मैंने नहीं कहा। और स्वाभाविक है, वो ज़्यादा सीटें वो लड़ते हैं तो उन्हीं ने स्ट्रेटेजी बनाने में लीड देनी पड़ेगी, मगर दोनों पार्टियां इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी। प्लीज मैथ्यू पढ़े जा पाना। आपकी पार्टी के एक सांसद राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी, वो लगातार रिजर्व बैंक के गवर्नर पर के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको तत्काल सैक करने की बात कर रहे हैं। आपकी रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया साफ नहीं आई है, इवन आप लोगों के वैचारिक सहयोगी जो हैं एस गुरुमूर्ति जी ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन में खड़े हुए हैं, तो पार्टी की क्या राय है रघुराम राजन के बारे में? नहीं, इस पर पार्टी ने राय देने की कोई जरूरत नहीं। Sir, अभी पांच after the five state elections, do you think that that will make a huge difference in Rajya Sabha, especially in the wake of two parties like TMC and ADMK have won huge majority in the respective assemblies? I have a related question. May I ask? The government has been represented by Arun Jaitley and Babul Supriyo at Mamata Banerjee. Swearing in today. Is this a signal of the fact that she is being considered as an ally in parliament for now? Na ji. अरुण जेटली जी और हमारे एक और मंत्री साथ में गए, बाबुल सुप्रियो, वो जनादेश का सम्मान करने के लिए गए हैं। पांचों राज्यों के चुनाव में जिसने भी चुनी हुई सरकार ने हमें निमंत्रण दिया, हम वहां जरूर गए। ये मैं मानता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर में ये संघीय सरकार का दायित्व है। इट डजंट मीन कि हमने बंगाल में हमारा संघर्ष छोड़ दिया है, हम बंगाल में डट कर संघर्ष करने वाले हैं जब तक हमारी सरकार न बने। रामनारायण श्रीवास्तव, रामनारायण श्रीवास्तव हो गया, एक मिनट आता हूँ सर, एक मिनट प्लीज। हाँ, रामनारायण श्रीवास्तव, अभी आपने हाल में कहा है उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला सपा से है, भाजपा का, क्या भाजपा वहाँ पर बसपा को और हमारी मुख्य स्पर्धा सपा के साथ? दल, आपका सवाल। अमित जी, मैं मानव बनर्जी बोल रहा हूँ,
मैंने तो आसाम को पहले बुलाता था इलेक्शन का पहले, अभी आसाम इतना हाथ उठाया नहीं बुला क्या कहा? मैंने आसाम को पहले बोला था चुनाव से पहले इस बार हम हाथ उठाए ना, हमने सोचा था भाई, आपने नहीं सोचा होगा, हमें मालूम था ऐसा आएगा, दो पांच सीटें ऊपर नीचे हो सकती है मगर अंदाज था। लेकिन वहाँ पे जो सरपंच सुंदर चिपी से बन गया, ये जो सेंटर में जो खाली हो गया, इसके लिए आपने सेंटर में बहुत पूर्ण करेंगे, बहुत करेंगे, अभी देखता ही नहीं है। Sir, there's a call records from the from Daud Ibrahim, who's India's most international designated terrorist, has been found on one of your MLAs, Eknath Khadse, in Mumbai. So Rajnath Singh has ordered a probe. What do you have to say on this particular? मुझे मालूम नहीं है गृह मंत्री जी ने probe order की है या नहीं की है, मगर वहाँ की पुलिस ने कोई probe करकर इसका result आपके सामने रखा था। Last में हाँ, आप पूछिए। Sir. सर मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। सर आप भी ये पूरी सरकार जो है पिछले पिछले दो साल की ये उपलब्धि आ रही है, पिछले दो साल में क्या कारण है कि महंगाई पर सरकार काबू नहीं कर पाई है? आज भी दाल चीनी का रेट जो है नहीं, आंशिक काबू नहीं है, आंशिक काबू नहीं है। दूसरा सवाल है सर कि भाजपा के जो मेन मुद्दे थे, चाहे वो सनातन आचार संहिता हो या सत्तर हो या राम मंदिर हो, क्या एक बस्ते में है या पार्टी छोड़ चुकी है इसे? देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई कुछ चीज़ों में कभी कभी ऊपर गई है, इसमें दो राय नहीं है, मगर कुल मिलाकर महंगाई कंट्रोल में रही है और अगली सरकार से काफ़ी कंट्रोल में रही है, ये हमारे लिए संतोष का विषय है। हो गया बस भैया। But what is the roadmap ahead, particularly on the economic front? Number one. Number two, there are a lot of speculations about the cabinet reshuffle. Has the party given a thought to it? No, ye आप मुझे इतना सरल मत मानिए कि मैं प्रेस वार्ता में कैबिनेट की बात आपसे साझा कर लूंगा। वो पार्टी के फोरम में भैया इसकी चर्चा होती है, यहाँ थोड़ी सतीश पीछे। हाँ सतीश, नहीं रोड मैप बना हुआ ही है, मैंने पहले ही कहा, आप मेरा सेंटेंस शायद समझे नहीं कि रिफॉर्म्स और जन कल्याण दोनों के बीच में संतुलन चलाकर सरकार आगे बढ़ी है और हमें सफलता मिली है। हमने रिफॉर्म्स भी किए हैं और जन कल्याण के सारे काम नीचे तक पहुंचाने का भी काम किया है। सतीश पे राधिका जी। हाँ जी जी, हमारा अलायंस बरोबर चलेगा और अच्छे से चल रहा है। राधिका जी फिर आदित्य अमित जी, मैं उत्तर प्रदेश की ओर लेना चाहती हूँ। कल की रैली में राजनाथ जी और मोदी जी तीनों के भाषणों में विकास करने के स्थानों का समस्या उसी पे थ्रस्ट था, लेकिन आपके जो साथी हैं जैसे बजरंग दल या विहिप, वो बार बार जो मुद्दे डिविजिव कहा जाता है वो उठा रहे हैं, तो ये बैलेंस आप कैसे रखेंगे ताकि आपका फोकस? राधिका जी आप सरकार को सुनिए बस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सरकार जो कह रही वो सुनिए। सर ये जो आप लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई है दैट द मिनिस्टर्स द एमपीज एंड द एमएलएस विल गो टू द रूरल सेक्टर, दे विल मीट एंड रीच आउट टू द पुअर एंड पीपल ऑन द ग्राउंड, सो डू यू थिंक दैट दिस इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू चेंज द परसेप्शन, बिकॉज़ द ऑपोजिशन हैज गिवन यू एन इमेज ऑफ अ सूट बूट की सरकार, अ गवर्नमेंट व्हिच फेवर्स द ब्यूरोक्रेसी, अ गवर्नमेंट व्हिच फेवर्स द अर्बन सेक्टर, सो डू यू फील दैट? नहीं नहीं नहीं, इसको इसके साथ मत जोड़िए, ये टिप्पणियों का इतना महत्व ही नहीं है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, हर बार भाजपा की हर सरकार लोगों के पास अपना हिसाब देने के लिए जाती है। हिमांशु जी आप जरा। ना अभी तय नहीं हुआ है भैया। अखिलेश जी। अमित जी आपके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई संगठन के विस्तार के लिए, बीजेपी लगातार दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती रही, लोकसभा चुनाव में देखा भी, लेकिन क्या वजह है कि सरकार में भी दलितों को ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिए गए हैं, आपके संगठन में भी जो है दलितों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई है? और दूसरी बात ये, पहले मैं कह दूं पूरे देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पार्लियामेंट्री बोर्ड में दलित बैठा है, सिर्फ भाजपा में बैठा है, आपका पहले रिकॉर्ड क्लियर कर लो जरा। और सरकार में भी, सरकार के अहम मंत्रालय दलितों के पास है,
मानव संसाधन विकास में दलित या मुझे से अभी तक सवाल यह था कि जो विवादास्पद मुद्दे को हम कहते हैं समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, धारा 370, इन मुद्दों का क्या हुआ? दो साल में क्या सरकार ने कोई कदम बढ़ाया है? नहीं, देखिए ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है और घोषणा पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से इसका निराकरण आएगा। आप थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। संजय शर्मा जी, सर आपकी सरकार ने किसानों के लिए काफी काम किया है, प्रधानमंत्री बीमा योजना भी लेके आया किसानों के लिए, लेकिन इसके बावजूद आपके गुजरात में टमाटर के भाव किसानों को नहीं मिल पाते, 50 पैसे किलो में मध्य प्रदेश के किसान, महाराष्ट्र किसान 50। भैया हर सब्जी का भाव यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता, कई बार ऐसा हो जाता है। इसका भी स्थायी समस्या का समाधान ई मंडी के अंदर है, एक प्रयास चल रहा है इसको भी एड्रेस करने का। जो काफी सवाल उठाए थे आपकी पार्टी के ऊपर भी और गाभुन के ऊपर भी, आपको क्या लगता है कि उन सब उन कॉन्ट्रोवर्सीज पर आप लोगों ने अब एक विराम डाल दिया है और क्या मैसेज आप? नहीं नहीं, जनता ने डाल दिया है ना, मैंडेट कॉन्ट्रोवर्सी के बाद का है और कॉन्ट्रोवर्सी उठाने वाले कहीं पर नहीं है। जिन्होंने कंट्रोवर्सी उठाई थी, चाहे रोहित वेमुला की हो चाहे जेएनयू की हो, वो कहीं नहीं है। अमित जी, विकास की बात आपने कही है, 23 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और फार्मर सुसाइड करते जा रहे हैं, इसमें कोई ये नई बात नहीं हो रही है, बस ये बेमानी नहीं लगती विकास की बात जब 23 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है? नहीं, एक देश में भीषण अकाल है भैया। एक एक सेंटेंस आप जो बोल रहे हैं, इसके पहले पानी का जो मूल सोर्स है वो बारिश होती है आज भी देश में और दुनिया में। भीषण अकाल के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है। बारिश कहाँ से लाएगा सेशन? तो बारिश के बगैर पानी कहाँ से आएगा भैया? विचार कर ही रहे हम। नहीं भैया, अभी चर्चा नहीं हुई है हमारी। एक चैनल है मुझे मालूम नहीं स्टेट यूनिट ने क्या कहा है, मगर चिंता व्यक्त करना कोई बुरी बात नहीं है। पार्टी सोच रही है सर, दूसरे सवाल की जो फेरबदल की बात हो रही है, पार्टी फोरम पे होगा, लेकिन क्या फेरबदल परफॉर्मेंस और जो चुनावी राज्य उसके आधार पे होंगे? नहीं नहीं, स्वाभाविक रूप से जब भी फेरबदल होते हैं इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन भी सोच करने का एक डायमेंशन तो होता ही है। मैडम नाज, हाँ अमित जी, जैसे असम इलेक्शन में सर्बानंद सोनोवाल पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर करने से आप लोगों का फायदा हुआ, तो इस तरह इस प्रदेश में आप इलेक्शन से पहले कोई अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? कोई एक बात से इलेक्शन कभी नहीं जीता जा सकता, नहीं, बहुत सारी चीजें होती है इलेक्शन जीतने में। अभी तय नहीं, अमित जी 2 साल के बाद रीशफल होगा। मैडम आपका, मैंने कह दिया ना इसको सोचेंगे अभी। मैडम आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। मुझे तो मालूम नहीं किस आधार पर ये कह रहे हैं। बजरंग दल बीजेपी नहीं है ना? एनडीए में डेमोक्रेसी है। चलिए धन्यवाद।